तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। तो भाई आज हमारे कॉन्करर पुश का डे 22 है और आज हमारी लोबी में एक स्ट्रीमर आता है और मैच के एंड में हमारी उसी की टीम से फाइट होने वाली है। तो होता है यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पे फाइट हो रही होती है और सामने से हम पे तीन बंदे रश कर देते हैं, जिनमें से एक बंदे को तो मेरा टीममेट नॉक कर देता है और बाकी दो बंदों से मेरी फाइट हो जाती है। अब जैसे मैं इन दो बंदों को फिनिश करके अपने टीममेट को रिवाइव देने जाता हूँ, वैसे स्ट्रीमर की स्क्वाड का एक बंदा हम पे रश कर देता है और इस बंदे को तुम याद रखना, ये बंदा आगे दोबारा से मिलने वाला है। अब जैसे ये बंदा नेड पिन करता है, वैसे मैं इसे डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इसके नेड से मैं नॉक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे पूरे मैप में सिर्फ 6 बंदे बसते हैं और मेरे सामने उस यूट्यूबर की पूरी स्क्वाड होती है। अब जिस बंदे ने हमें पोचिंग की में नेट से नॉक किया था, वो किल लेने के चक्कर में अपनी स्क्वाड को छोड़ के अकेले आ जाता है। अब जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ, वैसे इसके बाकी तीन बंदे भी आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपने टीममेट को तो आगे भेज देता हूँ और पीछे से उसे पूरा कवर देता हूँ। अब जरा तुम स्ट्रीमर का पीओवी भी देखो। बंदे का है साला, नेड़ का मार रहा, देखना जरा। देख लो अबे हग दिया। अब भाई यहाँ पे तुम देखना कि एक ही कंपाउंड पे हमारी कितने सारे बंदों के साथ फाइट होने वाली है। अब होता है यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मैं और मेरा टीममेट यहाँ पे गाड़ी से जा रहे थे, तो हमारे पीछे एक डासिया पड़ जाती है जिसमें दो बंदे होते हैं। अब इनके बाकी दो बंदे और आ जाते हैं जिनको मेरा टीममेट ही फिनिश कर देता है, तो ये आखिरी बंदा बचा था, तो इसको ढूंढने के लिए मैं आगे जाता हूँ और ये दीवार पे टीपी पे ले रहा होता है। जैसे ही हम इन्हें फिनिश करते हैं, वैसे ही एक और स्क्वाड आ जाती है। अब जैसे ही स्क्वाड आती है, मैं एक नेड करता हूँ और इस नेड से दो बंदे नॉक हो जाते हैं। इसके बाद मैं एक और नेड करता हूँ जिससे कि इनका तीसरा बंदा भी नॉक हो जाता है। अब इनके लास्ट बंदे पे मैं रश कर रहा था, लेकिन उस बंदे को दूर से एक स्क्वाड फिनिश कर देती है। अब जैसे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने जाता हूँ, वैसे वो स्क्वाड भी आ जाती है। अब रिकॉल होकर हम दोबारा से वहीं पे लूट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो बंदे यहाँ से जा चुके होंगे। अब वो बंदे यहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, वैसे उनका एक बंदा हमें आते हुए देख लेता है और वो गाड़ी घुमा के दोबारा हम पे आ जाता है। अब यहाँ पे मुझ पे चार बंदों की गाड़ी आ जाती है, तो मैं छत से एक दो नोक निकालने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मैं नीचे कूदूंगा, वैसे नीचे पहुंचने से पहले मैं लोबी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए मैं छत पे रुक के थोड़ा सा नोक निकालने का ट्राई करता हूँ। तभी इनमें से एक बंदा छत पे आ जाता है। अब इन दो बंदों को नोक करते ही मैं सीधा नीचे कूद जाता हूँ। आखिरी बंदा बचा है और देखना तुम्हारे भाई कैसे इनको इजी 1v4 करता है। लैग था। अब यहाँ पे स्क्वाड हाउस में बंदे होते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्लान होता है कि मेरा टीममेट उन पे रश करेगा और जैसे वो बंदे मेरे टीममेट को मारने के लिए बाहर निकलेंगे, वैसे मैं उनको नॉक दे दूंगा। अब जैसे मेरा टीममेट उन पे रश करता है, वैसे कवर देने से पहले वो बंदे मेरे टीममेट को नॉक करके पूरा फिनिश भी कर देते हैं। तो अब मैं अपने टीममेट को रिकॉल करने जाता हूँ और रिकॉल करने के बाद उन बंदों से रिवेंज लेने के लिए दोबारा आ जाता हूँ। अब जब तक मैं यहाँ पे आया, तब तक वो बंदे तो जा चुके थे, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला। अब इनके एक बंदे को तो मैं नेट से नॉक कर देता हूँ और वहीं पे एक मोली भी कर देता हूँ, जिससे कि वो बंदा तो पूरा फिनिश हो जाता है। अब एक मोली लेके मैं नीचे कूद जाता हूँ। अब इनके लास्ट बंदे के साथ बहुत देर नेड और मोली से कबड्डी खेलने के बाद मैं फाइनली उस पर खुद ही रश कर देता हूँ। तो भाई मैंने तुम्हें 1v3 1v4 तो बहुत दिखा दिया, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ 1v7। अब जैसे मैं यहाँ पे उतरता हूँ, वैसे मुझे डीपी मिल जाती है।
बंदे को फिनिश करने के बाद इसका दूसरा बंदा भी आ जाता है। अब इनका तीसरा बंदा यहाँ दीवार पे टीपी भी ले रहा था। अब इनको फिनिश करने के बाद मैं जैसे ही हील करता हूँ वैसे ही चार बंदे और आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे सात फिनिशेस हो चुके थे और सात नंबर का मतलब होता है बोले जो कोयल। अब मेरे सामने यहाँ पे एक बंदा स्कूटर से अपनी जॉब पे जा रहा था, तभी मैं रास्ते में उसे नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, तभी इसका दूसरा बंदा इसे रिवाइव देने के लिए आ जाता है। मुझे यहाँ पे लगता है कि ये सिर्फ दो बंदे हैं तो मैं इनको फिनिश करने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन ये पूरे चार बंदे होते हैं। मैं यहाँ पे ब्रिज से जा रहा था, लेकिन इस ब्रिज पे पूरे चार बंदे कैंप कर रहे थे। एक बंदे को मुझे फुट आ जाते हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक ही बंदा है, इसलिए मैं फाइट लेने के लिए उससे नीचे उतर जाता हूँ। अब मैं जैसे नीचे उतरता हूँ वैसे मुझे पीछे से एक और बंदे के फुट आ जाते हैं। अब ये बंदा तो नीचे गिर जाता है, तो जब तक ये ऊपर आता है तब तक मैं एक हील लगा लेता हूँ और इस पे एक नेट भी कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करने जाता हूँ वैसे इसके दो बंदे और आ जाते हैं। इनका लास्ट बंदा ब्रिज पे से ही मेरी लोकेशन निकालने का ट्राई कर रहा था। अब यहाँ पे आसपास बहुत सारे बंदे थे, तो मैं किल निकालने के लिए इस घर की छत पे आ जाता हूँ, तभी ब्रिज से एक गाड़ी आ जाती है। अब जैसे मैं इन बंदों को गिराता हूँ वैसे राइट से एक और गाड़ी आ जाती है। भाई जैसे मैं यहाँ पे जंप करता हूँ वैसे चार बंदे और आ जाते हैं, जो कि मेरे टीममेट को पूरा फिनिश ही कर देते हैं, तो अब तो उनसे रिवेंज लेना बनता है। अरे तो भाई यहाँ पे मेरा रिवेंज तो कंप्लीट हो चुका है, बट अगर तुमको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना। तुम्हारे एक एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।